रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कपूर साहब, ये सिमोन शाह की फिल्म किला लेडी के पोस्टर पे माँ शारदा को स्पेशल थैंक्स। वो कुछ था, अब तू छोड़ उन्नू। कपूर साहब, जिंदगी में लॉयर, डॉक्टर और मलिक से कभी झूठ मत बोलना, नुकसान आप ही का होगा। यार, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी मैंने जो ये फिल्म बनाई। अरे, एक तरफ मैं बाबा जी का नाम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सिमोन है कि वो हमारे ही अगेंस्ट चली गई है। उसकी पिक्चर जो आने वाली है उसमें 40 करोड़ मेरे लगे हैं। मेरे पास जो पैसे थे मैंने तो ये फिल्म खरीदने में डाल दिया। उसके बाद मुझे माँ शारदा मिली और उन्होंने मेरी कंपनी में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। बदले में क्या? मैंने फॉर्मेलिटी के लिए उनको अपनी कंपनी में 51% का पार्टनरशिप दे दिया। ये सिस्टम जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, डब्बे वाली कंपनी बनाते जाओ और लोगों को काटते जाओ। वाह कपूर साहब, वैसे बड़े स्मार्ट बनते। 1000 करोड़ की कंपनी की 51% पार्टनरशिप आपने 200 करोड़ में बेच दी। किसने बहुत बड़ी गेम खेली आपके साथ? मैंने तो आश्रम से मोटा पैसा घुमाया था। मुझे लगा कोई फॉर्मेलिटी है, मैंने साइन करके दे दिया। मुझे ये तकलीफ से निकाल दे यार, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। वैसे कपूर साहब, कल अब आश्रम तो जाओगे ना शोक मनाने? पर आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? और खन्ने, क्या हाल? हाल तो आपके साथ अच्छे थे सर, अब तो बस अपना टाइम काट रहे हैं यहाँ पे। कुछ टाइम अपनी बीवी को दिया होता ना तो ये छोड़ के नहीं जाती। ऐसी क्या खबर? खबर ये है सर कि फेरावत साहब आपको जेल भेजने के पूरे मूड में है। और हाँ, आपकी हेयरिंग सर 24 तारीख को है, तो शायद कोर्ट का ऑर्डर भी एक दो दिन में आता ही होगा आपके पास। आने दे, वो भी देख लेंगे। लेकिन साहब, आप 24 तारीख को आइएगा जरूर। अगर आप नहीं आए तो प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस चीज का। ठीक है खन्ने, फोन रखता हूँ, बाद में फोन करूँगा। जी साहब। कपूर साहब, कुछ पता चला है? नहीं, रिपोर्ट कमेटी वालों को कुछ पता नहीं चला और वैसे भी हाउसकीपिंग वालों की छुट्टी हो चुकी है और उस दिन आश्रम में सत्संग हुआ नहीं तो ज्यादा भक्त आए भी नहीं। बेसिकली नथिंग। नथिंग। बाबा के उन दो चेलों का क्या? वो ब्रह्मानंद और माता दीन। वो ब्रह्मानंद से तो फिर भी बात हो सकती है, लेकिन वो माता दीन उसे क्या हो? वो पागल हो चुका है, इस क्रैक, वो येड़ा है। वो बाबा के मरने के बाद कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वो राइट वाला ब्रह्मानंद है और वो माता दीन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि बाबा तो अच्छे खासे थे, अचानक से उनका देहांत कैसे हो गया? यही तो समझ नहीं आ रहा। बाबा दिल के दौरे से मर ही नहीं सकते, दिल के बड़े रंगीन थे वो। मैं कब से सबको बोल रहा हूँ कि पता तो करो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। वो ब्रह्मानंद मुझे डांटता रहता है और माँ तो सिर्फ रोती रहती है। अरे, कम से कम एक बार वीडियो तो चेक करना चाहिए। वीडियो? माता दीन, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उधर, कड़ा बनाओ, चलो निकलो। ये बाबा किसी पॉर्न स्टार से कम नहीं था। अच्छी सी बायोपिक बनाओ बाबा के। बना रहा हूँ, बहुत जल्दी बना रहा हूँ। बाबा पे नहीं, ये बाबा के बाप पे बायोपिक बना रहा हूँ, जिसने ऐसा बाबा पैदा किया। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बाबा यहाँ पे बैठ के, ये बाबा यहाँ पे बैठ के। कपूर साहब, कर क्या रहे हो आप? बाबा की पोजीशन ले रहा हूँ जैसे बाबा कर रहा था। अरे कपूर साहब, आप कोई बाबा थोड़ी ना हो जो कैमरा लगा।
और देख लेना कोई अगरबत्तियां बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है? चलती रहनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार माता जी। अरे कहाँ आप इन आश्रम आश्रम के चक्करों में टाइम पास कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप कपूर साहब के लिए कोई अच्छी सी कहानी लिखो, बेचारे फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहे हो, क्या कहानी? मलिक पापे थाम का अपना एनर्जी खराब कर रहा है। ए ले जगत माता नु पूरी फिल्म दिखा दे। कम टू द पॉइंट। ए मेरे वेब सीरीज का नया टाइटल है। गुड आइडिया कपूर साहब। तो देखिए तीन कहानी है इस पिक्चर में। सबसे पहली कहानी वो जो सच है। देखो ये थी पहली कहानी जो सच है। अब दूसरी कहानी वो जो आपने हमें सुनाई। और सिमोन को बाबा के नीचे डाला इसलिए था ताकि आपके इस कहानी के हम पक्के गवाह बने, है ना? और तीसरी कहानी जो बाबा के नेचुरल डेथ साबित करने के लिए आपने हमसे बनवाई। आपका परफेक्ट बैकअप प्लान, हमारा टैलेंट, दोनों ने मिलकर एक कमाल की स्क्रिप्ट लिखी, है ना? बाबा को मारने के बाद उन्हें बदनाम करने का प्लान बनाया ताकि बाबा की सारी प्रॉपर्टीज, कंपनी के शेयर्स, 3 आश्रम, 400 एकड़ जमीन सब कुछ बेचकर माताजी फॉरेन गो फुल। माताजी एक बात बताइए, आपने ये सब किया क्यों जब बाबा जी आपसे इतना प्यार करते थे? घंटा प्यार करते थे बाबा जी। दुनिया के लिए वो परम ज्ञानी महाराज थे, एक नंबर का चमड़ीबाज था वो। साधना के नाम पर ना जाने कितनी औरतों के साथ वो सो चुका था। और ये सिमोन, सिमोन तो सालों से इस आश्रम में आ रही है। अरे माता जी एक बात समझ में नहीं आई, ये सिमोन ने पार्टी क्यों बदल दी? पैसों की लालची कुतिया थी वो। बाबा जी की डेथ के बाद ब्लैकमेल कर रही थी मुझे ज्यादा पैसों के लिए। और सिमोन? बढ़िया माता जी, आप बताइए। साली कुतिया, दिखा दी ना अपनी औकात। सही कहते हैं सब कि तुम एक्टरों की कोई जात नहीं होती। और आप तो साक्षात देवी पार्वती का अवतार है ना माता जी? बकवास बंद कर और बता कितने पैसे चाहिए तुझको। मलिक के 50 लाख और आपके 2 करोड़ मूंगफली है बाबा जी के इस 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने। वैसे आपके पतिदेव और मेरे कामदेव की इतनी बड़ी जायदाद पे मेरा कुछ तो हक बनता है ना, सो आधा मेरा। माथा घूम गया है तेरा, जितने छोटे कपड़े उतनी ही छोटी औकात तेरी। वैसे माता जी बाबा जी बराबर मेरे कपड़ों का नाप लिया करते थे और अगर ये बात मैंने मीडिया को बता दी ना तो अगले साल बिग बॉस के घर में मेरी एंट्री तो कंफर्म है। पर अफसोस आपके सर पे छत नहीं रहेगी। सुबह से शाम मैंने अपनी चप्पलें घिस दी इस आदमी के लिए और उसने हर रात गैर लड़कियों के साथ बिस्तर तोड़े। वैसे माता जी सिमोन का सिलेक्शन किया कैसे आपने? सिमोन कभी भी बाबा के साथ के लिए नहीं थी, वो सिर्फ पैसों के लिए इंटरेस्ट रखती थी। छोड़िए इन बातें, आपको पता है ना कि कोर्ट में वीडियो जिंदगी भर के लिए आपको झेल भी सकता है। माता जी अब रोना बंद कीजिए। लाइफ मारे ऑकर पे सिक्सर, सबको चाहिए होता है अपने जैसा फिक्सर। अब आपको 3 काम करने। सबसे पहला काम, कपूर को उनका हक वापस कर दीजिए। दूसरा, ट्रस्ट की 50% ओनरशिप आप इनके नाम करेंगी। और तीसरा, आधे घंटे में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पर आप और सिमोन इस पूरे कांड में से बाबा का नाम क्लियर करेंगे। ऑलराइट? डन।
लवली। आप सबको यहाँ पे खास मकसद के लिए बुलाया गया है। सिमोन आओ बेटा। मैंने बाबा जी के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। मेरी फिल्म रिलीज पे थी और मेरी फिल्म की मार्केटिंग टीम ने मुझसे ये सब कहने के लिए कहा। मैं माता जी और बाबा जी के पवित्र आत्मा से माफी मांगी। बाबा जी मुझे बेटी की तरह मानते थे और मैंने उन पे ये सब इल्जाम लगाया। सब इतनी ओवर एक्टिंग कर रही, क्या देखकर अपने से हीरो लिया? क्या देखकर? सुमन बेटी से गलती हो गई है, पर बाबा जी हमेशा कहते थे कि किसी की गलतियों को माफ करना अपने मन को साफ करने का तरीका होता है। बाबा जी की आत्मा की शांति और उनके जीवन का उदाहरण देने के लिए हमने अपने आश्रम में 21 दिन का शिविर रखा है। इस शिविर में हम गरीब लोगों को खाना देंगे और उनको रहने की जगह भी देंगे। बताइए, जवाब दीजिए। इस औरत ने मेरे पिता समान महाराज को मारा और मुझे भी ये सब करने के लिए ब्लैकमेल किया। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बिल्कुल प्योर एंड पायस हूँ। ओह, लोखंडवाला की सस्ती कॉल गर्ल, क्या भोग रही है तू? हाँ साली, तेरे से महंगी तो मूवियां बिकती हैं। भाव रुपया अबे चल तू पोकट का। माता जी चलो फिर प्रार्थनाओं में याद रखना, ठीक है? अरे कपूर साहब, माता जी पैरी पोना। माता जी I've been wanting to thank you for everything you've done. Finally feels home. देवेश्वर महाराज के केस की गुत्थी भी सुलझ गई और एक ही तीर से सिमोन और मां शारदा दोनों अंदर। बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। पहुंच गई ये बात दिल्ली। आपका अंदाजा सही था सर, इन सब के पीछे मलिक का ही हाथ है। अब कैसी तबीयत है मलिक की? कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंची? देखिए, मलिक ब्लड पेयर किसी से मिलने गया था, जहाँ पर उस पर किसी ने 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल से 2 गोलियां चलाई। अटैक करने वाले का अभी तक कुछ पता नहीं चला। केसर जी, यू हैव टू हेल्प अस। मलिक का कोई दुश्मन था या आपको किसी ने कोई शक? अजीब सा इत्तेफाक था, मुझ पे गोलियां भी 2 चली और सिद्धेश्वर महाराज के कांड में दुश्मन भी 2 बने। पता नहीं उन 2 गोलियों पे किसका नाम था।